फ्यूल ज्यादातर यूज होता है पेट्रोल एलपीजी केक मीन्स उपले या कंडे है ना एंडी डीजल सो एनिमल डंग मीन्स काउडंग केक ठीक है उपले इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज इन रूरल एरियाज़ ओके

ट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा प्लेस है ऑयल और नेचुरल गैस कंजन में ठीक है पूरे वर्ल्ड में फोर्थ थर्ड फर्स्ट और फिफ्थ सो द आंसर इज बी थर्ड ओके थर्ड रैंक है इंडिया की नाउ क्वेश्चन नंबर फोर यूज दिक्रीज मोस्ट देन अर्लियर मतलब जो फ्यूल पहले यूज होते थे अब वो कम हो गए हैं तो इनमें से कौन से वो फ्यूल्स हैं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी एलपीजी कोल उपले और वुड तो उपले और वुड का जो यूज है वो बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा अब क्योंकि घर घर एल हो गई है है ना गैस सिलेंडर ओके okay? इलेक्ट्रिसिटी भी है कोल भी है उपले और वुड का यूज बहुत कम हो गया है ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव विच एमंग स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल दैट इज यूज टू फ्लाई एयरप्लेन यहाँ कुछ फ्यूल्स दिए हुए हैं इन फ्यूल्स में से कौन सा स्पेशल टाइप का फ्यूल है जो एयरप्लेन है ना एरोप्लेन्स जो होते हैं उनको उड़ाने में यूज किया जाता है सो ऑप्शन स्पेशलाइज्ड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल बी पेट्रोल सी डीजल डी सी एन जी सो द आंसर इज ए स्पेशलाइज पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स What among the following could be a better and prudential solution for increasing number of vehicles on the road? यहाँ कुछ दिए हुए हैं आपको solutions ठीक है तो इन solution में कौन सा solution better होगा road में जो vehicles के number बढ़ते जा रहे हैं ना उनको कम करने के लिए कौन सा सोल्यूशन या बेट सॉल्यूशन जो है आपका वो बेटर होगा ठीक है ए है आपका अलाउंग पीपल टू टेक आउट देयर लोगों को अलाउ किया जाए कि अपने व्हीकल्स हफ्ते में एक बार निकालें ऑप्शन बी नॉट गिविंग लाइसेंस टू पीपल लोगों को लाइसेंस ना दिया जाए ऑप्शन सी अवेयरनेस ऑफ पीपल टू यूज बस मोर इंस्टीड ऑफ देयर पर्सनल कार लोगों को पहले से बताया जाए अवेयर किया जाए ठीक है कि अपनी पर्सनल कार्स की जगह है ना बस का यूज करें ठीक है और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं सो द आंसर इज अवेयरनेस ऑफ पीपल टू यूज बस मोर इन ऑफ देयर पर्सनल कार्स ओके सो द ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन नेम द ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ दैट अस पेट्रोल डीजल कोलतार कैरोसिन वैक्स एक्सेट्रा उस ट्रेजर का नाम बताना है अर्थ का वो ट्रेजर है ना जो हमें अर्थ से मिलता है ट्रेजर जिससे हमें पेट्रोल डीजल कोल तार कैरोसिन वैक्स ये सारी चीज़ें मिलती हैं ठीक है ठीके? अर्थ का वो कौन सा खजाना है ऑप्शन ए इज पेट्रोलियम बी लिग्रोइन सी फैनोफेथलिन एंड ऑफ दीसोर इज पेट्रोलियम पेट्रोलियम से ही पेट्रोल डीजल कोलोशीन वैक्स ये विच है। है? A रीजन फॉर द राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल यहाँ कुछ रीजन दिए हुए हैं उन रीजन में से बताना है कि कौन सा रीजन है जिससे पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं ऑप्शन ए सो दैट पीपल डू नॉट यूज इट फ्रिक्वेंटली इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि लोग इसे अच्छे से यूज ना करें है ना बी इट इंटेंशनल सी बीजेंटी ऑफ दीज फ्यूल्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड्स एंड डी नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर इज सी स्टी मतलब कमी ये फ्यूल्स जो है वो कम होता जा रहा है और इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है इसीलिए इसका प्राइस बढ़ाया जा रहा है ठीक है? है हमें क्यों जरूरत फ्यूल्स को सेव करने की? In अवेलेबल नहीं है बी देयर इज नो नीड टू सेव फ्यूल फ्यूल सेव करने की कोई जरूरत नहीं है सी एज मोस्ट ऑफ अवर फ्यूल्स आर फॉसल फ्यूल्स विच आर इन लिमिटेड क्वान्टिटी एंड लॉन्गर टाइम टू रीजनरेट ऑप्शन सी आपका ये है कि हमारे यहाँ जो फ्यूल्स हैं ज्यादातर फ्यूल्स हैं वो जो फॉसल्स फ्यूल्स हैं ठीक है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है और उन्हें रीजनरेट दोबारा बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है मिलियंस इयर्स लगते हैं ठीक है एंड डी नन ऑफ दीस सो द करेक्ट आंसर इज सी एज मोस्ट ऑफ अवर फ्यूल्स आर फॉसिल्स फ्यूल्स विच आर लिमिटेड आर इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड टेक्स मच लॉन्गर टाइम टू रीजनरेट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टेन विच एमंग सब्सटेंसेज इज ऑल्सो यूज टू मेक पैंट एंड प्लास्टिक पैंट और प्लास्टिक बनाने में और किस सब्सटेंस का यूज होता है ठीक है सबस्टेंस का यूज किया जाता है पेट्रोलियम कोल वैक्स नन ऑफ दीज सो द आंसर इज पेट्रोलियम पेट्रोलियम का यूज किया जाता है पैंट्स और प्लास्टिक बनाने के लिए ओके okay? फिर यहाँ थ्री ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन और हैं आपके देखें वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल पी जी सो द आंसर इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ओके वट इज फुल फॉर्म ऑफ सी एन जी सी एन जी का फुल फॉर्म क्या है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ओके वेयर इज द दैल इज लोकेटेड तो ये अहमदाबाद में है ठीक है गुजरात के अहमदाबाद में ओके तो लेसन ट्वेल्व के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीटेड सो राइट इन योर फेयर कॉपी ओके